उस आदमी के जो पैर है वो बिल्कुल उड़ीसा की मिट्टी में है। ये जो किस्सा है 25 साल का जो किट और किस का जो किस्सा है ये ऐतिहासिक है। ऐसा तो ऐसी कहानी बहुत कम सुनने को मिलता है इस दुनिया में। इनका मैंने पढ़ा है सॉइल टू सिल्वर, तो मेरे ख्याल से सिल्वर जुबली है। इसकी कोई दो राय नहीं है कि कल को गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लैटिनम जुबली भी होगा। लेकिन ये जो सॉइल की बात है, डॉक्टर अच्युत सामंता से अगर कोई भी मिलता है तो ये जाहिर होता है कि उस आदमी के जो पैर है वो बिल्कुल उड़ीसा की मिट्टी में है। तो ये जो और जो भी वो करते आए हैं एजुकेशन के फील्ड में, वो इतने रियलिटी और ह्यूमिलिटी और मीनिंग के साथ उन्होंने किया है कि आई थिंक ही हैज़ गॉट द सॉइल ऑफ उड़ीसा इनसाइड हिम। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ बहुत कम देखने को मिलते हैं इस दुनिया में, जो पब्लिक या गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारा एक घर, रग्बी का एक घर KIIT में है। दे आर दी एसोसिएट स्पॉन्सर्स ऑफ इंडियन रग्बी। हमारे नेशनल कैंप्स यहाँ पे होते हैं, हमारे टूर्नामेंट्स यहाँ पे, कई टूर्नामेंट्स यहाँ पे हम रखते हैं। हमारे जड़ KIIT के साथ बहुत गहरे हैं और ये जो एक रिश्ता है इसलिए है क्योंकि डॉक्टर सामंता स्पोर्ट्स को इतना प्रोत्साहन देते हैं, सारे स्पोर्ट्स को। मुझे लगता है कि 15 ओलंपियंस आए हैं किट से। सो इट्स अ फैंटास्टिक रिकॉर्ड एंड इट्स आर प्रिविलेज टू बी हियर।